इंग्लैंड इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल ओडीआई दो बार इसलिए बोला है क्योंकि आपको हाल अभी तक का पता है कि दो तीन T20 हुए थे और दो ओडीआई हो चुके हैं, दो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, दो इंग्लैंड ने जीते हैं, ठीक है। हालांकि पहली मैच इंग्लैंड सीरीज जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया के पास पिछले मैच में मौका था लेकिन एंड मैच थोड़ा सा फंबल कर दिया और हार गए। कोई बात नहीं, फाइनल मैच देखने में बड़ा मजा आएगा। ड्रीम इलेवन तो है ही यार, वो तो हमारे साथ चलता ही है, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखने में बड़ा मजा आएगा। इस मैच को तो मैं लाइव देखूंगा, ठीक है। चलो मैं मुद्दे पर आता हूँ। स्टैट्स से मैंने यहाँ पे दोनों मैचेस के लिख के रखे हैं। ड्रीम इलेवन की टीम मैंने यहाँ पे बना के रखी है, हालांकि एक थोड़ी सी मेरी मेरे हिसाब की टीम है, हालांकि मैंने ज़्यादातर कोई चेंजेस करता नहीं। आपको पता है ना, मैं ग्रैंड लीग की बनाता हूँ, स्मॉल लीग की भी एक टीम बनाता हूँ, तो उसमें दोनों में कॉम्बिनेशन सेम होता है, ठीक है। हालांकि मैंने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करे, सेम ही टीम है, एक आधा प्लेयर चेंज है। चलो चलो पहले मैं पिछले मैच का हाल बता दूं, फिर शुरू करता हूं। ऑस्ट्रेलिया पिछले मैच में यार बहुत बुरा सा लग रहा है मुझे, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा फंबल कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जो T20 में हुआ था ना वैसे ही कुछ कुछ हुआ। एरन फिंच 73 बनाए, ओके। डेविड वॉर्नर एक बार फिर से फ्लॉप रहा। स्टीव स्मिथ पिछले मैच में नहीं खेला, कौन खेला था, मार्कस स्टोनिस फिर से खिलाया था। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बता दी थी, स्टीव स्मिथ आपका फिजिकली फिट हो चुका है, इसका फिटनेस टेस्ट भी हो चुका है, दो बार फिटनेस टेस्ट होना था, पास हो चुका है। ट्रेनिंग के कारण इसको ट्रेनिंग के दौरान इसको चोट लग गई थी, फिटनेस टेस्ट इसका पास हो गया है और मैच के लिए अवेलेबल था, पिछले मैच में भी था लेकिन टीम में नहीं खिलाया, जस्ट एज अ प्रिकॉशन। इस मैच में टीम पूरे पूरे चांसेस यार खिलाएगी, क्योंकि करो या मरो का मैच है, सीरीज हाथ पे लगी हुई है, एकदम मुंह के सामने रखी हुई है। और मार्कस स्टोनिस को चांसेस काफी मिले हैं, मार्कस स्टोनिस से बोलिंग नहीं करवा रहे, दो ओवर कराए थे इसे पिछले मैच में, इसे 20 रन लुटाए। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हैं कि वो जो 15-16 मिनट की, जैसे मैं वीडियोस करता हूँ ना, अमूमन 15-16 मिनट की होती हैं, लेकिन मैं उसमें एक एक प्लेयर को खोल के डिस्क्राइब करता हूँ, अपनी जो टीम बताता हूँ उसका भी रोल मैं डिस्क्राइब करके आपको बताता हूँ। क्या आपको वो उस हिसाब से चाहिए, या मैं आपको वो चीज़ें डिस्क्राइब ना करूँ कि मैंने उसको लिया क्यों है, कि उसका रोल क्या है, वो चीज़ें मैं डिस्क्राइब नहीं करूँ कि आपको मैं डायरेक्ट टीम दूँ और मतलब ये बता दूँ कि कैसे कैसे लेना है, वो सब बता दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा खुल के ना बताऊँ, ये मुझे बता देना, क्योंकि ऐसे में होगा क्या, टीम वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनेगी, ज़्यादा हमें 15-16 मिनट की वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, 10 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये 10 मिनट के आसपास की वीडियो बनानी चाहिए मुझे आपके लिए, या फिर टीम जो मुझे वही 14-15 मिनट की वीडियो में पूरा खुल के बताना है, ये मुझे ज़रूर बताना। चलो स्टीव स्मिथ इस मैच में आएगा 3 नंबर पे। मानस लबूशेन पिछले मैच में था, 48 रन बनाए, ठीक है, अच्छा किया इसने, अभी भी अच्छा ऑप्शन है। मिचेल मार्श 73 पहले मैच में ओके, लेकिन पिछले मैच में 1 रन। हालांकि मैं मिचेल मार्श से एज अ बैट्समैन मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद है कभी नहीं रखता हूँ, कमी तो नहीं कहूँगा पर बहुत कम रखता हूँ, लेकिन एज अ बॉलर एज अ बॉलर ये काम कर रहा है, विकेट एक विकेट लेकर आया, और दूसरी बात यह है कि डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा है। हालांकि वनडे क्रिकेट में डेथ ओवर में बहुत ज़्यादा नहीं समझता कि डेथ ओवर बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, वनडे क्रिकेट में ऐसा नहीं है, लेकिन करे इसने डेथ ओवर में और विकेट भी निकाला। उसके बाद एलेक्स कैरी, देखो पिछले मैच की वीडियो मैंने कहा था कि यार जो ग्रैंड लीग वाले ना वो कैरी को ले लो, और आपका बटलर और जॉनी बेस्टो दोनों फ्लॉक हुए थे, कैरी हमारी टीम में था, दो टीमें थी, मैंने ग्रैंड लीग वाली टीम में इसको रखा था, 36 रन बना के इसने दिए। ग्लेन मैक्सवेल के लिए याद करो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा ना तो पहले एक बार याद करके देखो ग्लेन मैक्सवेल के लिए मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो में। मैंने साफ साफ कहा था कि गाइस पहले मैच में भले ही 77 बना के आया है, लेकिन सेकंड मैच में ये इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों कहा था मैंने ऐसा, क्योंकि इसका बैटिंग ऑर्डर नंबर 7 था, बैटिंग ऑर्डर एज अ बैट्समैन काफ़ी नीचे। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि अगर मैं इसे किसी टीम में पिक करता हूँ तो केवल एक ही रीज़न होगा इसको पिक करने का, कि स्पिन का एक ऑप्शन मुझे प्रोवाइड कर देता, और वो जो पिछली, अच्छा पहले पिच रिपोर्ट सुन लो, पिच रिपोर्ट में इस बार कुछ है तो कुछ अलग है। जो पिच थी पिछले मैच में वो यूज्ड पिच थी, वही पिच थी और उसी पिच पे दोबारा मैच हो रहा था। इस मैच में ऐसा नहीं है, पिच दूसरी है, ठीक है, पिच दूसरी है, तो इस मैच की जो पिच है वो आपके फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि आपका हो गया पैट कमिंस स्पेशली, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाया, एक एक विकेट मिला और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी अच्छी नहीं है। जैसे कि मार्क वुड है, मार्क वुड पिछला मैच नहीं खेला, मिचेल स्टार्क भी है, बट मिचेल स्टार्क तो स्विंग भी बहुत अच्छी कर लेता है ना, लेकिन स्पेशली दो बॉलर्स बोल रहा हूँ मैं, पैट कमिंस, जॉफ्रे आर्चर के लिए भी ठीक है, बट जॉफ्रे आर्चर पटकता है, मैं जो बोल रहा हूँ रिलीज करते हैं जो गेंदबाज, दो गेंदबाज बोलूँगा यहाँ से, मैं बोलूँगा पैट कमिंस और इंग्लैंड की टीम से मार्क वुड, इन दोनों के लिए पिच इस मैच में अच्छी है। स्पिन के लिए उतनी फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये यूज पिच नहीं है, पिच दूसरी है, पिच चेंज हो चुकी है। चलो मैक्सवेल मैंने इसलिए कहा था क्योंकि गाइस मैंने ये बात साफ कही थी कि मैक्सवेल को उसी केस में रखना है या रखना है आपको टीम रख रहा हूं जो भी है, कि अगर ये मुझे स्पिन का एक ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा तो, और इसने पिछले मैच में एक भी ओवर नहीं कराया, और इस मैच में तो जो पिच है वो फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल है, स्पिनर के लिए हेल्पफुल इतनी नहीं है, विकेट ले सकता है स्पिनर, मैं ये नहीं कह रहा विकेट नहीं लेगा, लेकिन स्पिनर के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है इस मैच में पिच, ये बात ध्यान रखना। पिछले मैच में तो यार कुछ कमाल ही हो गया, मतलब सारे बॉलर चल गए, चारों के चारों बॉलर यहाँ से, सारे के सारे चारों बॉलर यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के काम कर गए, और इंग्लैंड की टीम से ना सारे के सारे बॉलर, सब के सब, मार्कफोर्ड को तो यहाँ पे बनाया भी फिलहाल के रखा है, सॉरी ये नहीं, ऊपर इंग्लैंड की टीम,
ये रहे, जॉफ्रा आर्चर ने 3 विकेट ले लिए थे, राशिद ने 1 विकेट लिया और उसके बाद रन मारे 35 नॉट आउट, ठीक है। टॉम करन ने आपके 37 बना दिए थे, सैम करन ने 3 विकेट ली एंड टाइम पे जब बहुत जरूरी थी ना तब विकेट लिए सैम करन ने। तो सारे के सारे बॉलर चल गए लेकिन इस मैच में प्रॉबेबली शायद ऐसा आपको नहीं होता दिखेगा रन बनेंगे। ओके, मिचेल स्टार्क इंपॉर्टेंट है, पहला स्पेल करता है, एडम जाम्पा इंपॉर्टेंट है, जॉश हेजलवुड, क्या बोलूँ, पूरी टीम ही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो और आप बोलो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। इंग्लैंड की बात करता हूँ, क्या हुआ, रॉय आया 21 रन बनाए तेजी से और आउट हो गया। जॉनी बेस्टो 84-85 मैच में बनाए थे लेकिन 0 पे आउट हुआ। जो रूट 39, एवन मॉर्गन 42, इन्होंने थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई थी बीच में लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चली। बटलर 3 पे आउट हुआ, बिलिंग्स 8 पे आउट हुआ, क्रिस वोक्स 26, मैंने कहा था इस मैच में इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा गाइस, 3 विकेटें और 26 रन। हालांकि मैंने किस लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि एकदम 4-5 विकेटें लेगा 3 विकेटें लेगा, उस हिसाब से मैंने कहा था कि मोइन अली की जगह खेल रहा है नंबर 7 पे, जब टॉस हो गया था नंबर 7 पे खेल रहा है तो इसको बैटिंग का चांस मिलेगा, तो ये जो 26 रन है ना इसी को देखते हुए, बाकी बॉलिंग तो करता ही, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होगा। सैम करन पे मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था जितना ऐसा कर दिया, और स्टार्टिंग में जब इसने बॉलिंग करी थी बहुत पिट रहा था लेकिन एंड स्पेल में आके इसने बहुत ही बढ़िया स्पेल निकाला, जब जब टीम को जरूरत थी ना, कि जब एक मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम से एक पार्टनरशिप पनप रही है, कब, जब मार्नस लबुशचेंज और एलेक्स केरी खेल रहे थे उस टाइम पे ये आया और इसने वो करके दिया जो इंग्लैंड के लिए एकदम चमत्कार जैसा था, 3 विकेटें निकाल के दी इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम में। टॉम करन को विकेट नहीं मिली लेकिन जो एंड टाइम में साझेदारी इसने करी 37 की और 35, ये जो टॉम करन और आदिल रशीद के बीच में हुई, ये गाइस इतनी बढ़िया पार्टनरशिप रही ना, यही थी डिसाइडर। 75 रन 72 रन इन दोनों ने मिलकर बना दिए, यही था डिसाइडर इस मैच का। चलो मैं बात करता हूँ यहाँ से इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या बात करूँ, सभी इंपॉर्टेंट है यार, ये तो आपको पता है ना कौन सा खिलाड़ी, रोल बता देता हूँ। जॉफ्रा आर्चर पावर प्ले कर रहा है, डेथ ओवर नहीं कर रहा है। उसके बाद आदिल रशीद आपका मिडिल ओवर्स कर रहा है, टॉम करन मिडिल ओवर्स कर रहा है, उसके बाद क्रिस वोक्स आपका पावर प्ले कर रहा है, सैम करन आपका डेथ ओवर कर रहा है। बाकी आपको ऊपर से तो सब पता है ना कौन सा कैसा खेलता है। मैं टीम पे आता हूँ ड्रीमलैंड की। देखो 3 विकेटकीपर जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर और एलेक्स केरी। मैं एक चीज़ पहले ये रिपीट कर दूँ कि एलेक्स केरी पे इस मैच में भी मेरा थोड़ा ट्रस्ट है, जैसा कि पिछले मैच में कहा था मैंने, तीनों विकेट कीपर में से अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो मेरा पहला ऑप्शन एलेक्स केरी होता है मिडिल ऑर्डर से, ऑस्ट्रेलिया का टीम से। लेकिन इस मैच में भी वही चीज़ कह रहा हूँ मेरे पास, हाँ मैं एलेक्स केरी को रिकमेंड करूँगा आपको, लेकिन यार जगह नहीं बन पा रही है एलेक्स केरी के लिए, जगह ही नहीं बन पा रही है। और दूसरी बात ये, मैं जॉनी बेस्टो पे इतना फेथ नहीं है, हालांकि कर सकता है यार, सबको पता है 100-150 पे बना सकता है, लेकिन मेरा फेथ इस मैच में बटलर पे काफ़ी ज़्यादा रहेगा मिडिल ऑर्डर से, क्योंकि मुझे नहीं दिखता कोई और नाम। सैम बिलिंग्स पे मुझे ट्रस्ट नहीं आ रहा इस मैच में, ठीक है, तो मेरे को एक ही नाम दिखता है मिडिल ऑर्डर से, जॉस बटलर। बाकी मॉर्गन तो है ही, 4 नंबर पर खेलेगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर 4 के बाद नंबर 5, 6 और 7 होता है ना, वहाँ पे मुझे जॉस बटलर पे काफ़ी ज़्यादा फेथ है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोल दूँ कि देखो जॉनी बेस्टो और जॉस बटलर में से अगर आपको कभी एक चुनना पड़ जाए ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उस केस में आप जॉस बटलर को चुन लें, स्पेशली वनडे क्रिकेट में, ठीक है। T20 हो अगर जॉस बटलर नीचे खेल रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन वनडे क्रिकेट में जॉस बटलर को चुन लें, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आराम से बैटिंग आती है, 20 ओवर 25 ओवर में इसकी बैटिंग आ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि विकेट कीपिंग के पॉइंट, जी हाँ, विकेट कीपिंग के जो कैचेस के पॉइंट होते हैं ना यार, वो इसी के पास आएंगे। वनडे क्रिकेट में आपके कीपर के पास बहुत ज़्यादा कैचेस जाते हैं, T20 में तो बल्लेबाज लप्पा मारता है, फील्डर के पास कैच चले जाते हैं, कीपर के पास फिर भी मैं मानता हूँ इतने नहीं जाते, लेकिन वनडे क्रिकेट में और टेस्ट में स्लिप पे बहुत कैचेज जाते हैं, कीपर पे भी जाते हैं स्लिप पे जाते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में जब खिलाड़ी खड़े खड़े खेलते हैं ना एजेस लगते हैं तो कीपर पे कैचेज जाते हैं। उस लिहाज से थोड़ा सा जब आप कन्फ्यूज हो जाते हो ना दोनों में से किसी एक को, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस केस में आपको बटलर के साथ जाना चाहिए जो कि आपका कीपिंग कर रहा है करंटली, और ये केस एलेक्स केरी के साथ भी अराइज होता है। अगर आप मिडिल ऑर्डर से सिर्फ एक बैट्समैन देखें, सिर्फ अगर आपको भी बैट्समैन के रूप में अगर आप देखें ना, कि अगर 5 नंबर पे मान लो कैरी अगर 5 नंबर पे खेलता है तो, और कोई और जैसे मार्नस लबुशचेंज तो कैरी से 2 गुना बेटर बैट्समैन है, लेकिन मैं जस्ट ऐसा कंपेयर बता रहा हूँ, जैसे मिचेल मार्श या फिर एलेक्स केरी, तो यार उन दोनों में से मेरा बेटर बैट्समैन का ऑप्शन तो एलेक्स केरी ही रहेगा, लेकिन मार्श आपको बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, वो उसका एडवांटेज है। अब देखो दो टीमें हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन तो मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। डेविड वार्नर मेरी दोनों टीमों में रहेगा इस मैच में, मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑस्ट्रेलिया से 2 खिलाड़ियों पर है मेरा, डेविड वार्नर स्टीव स्मिथ दोनों मेरे फेथ में। जो रूट को मैंने टीम 2 में पिक किया है, टीम 2 में मैंने यहाँ पे पिक किया है ऑन मॉर्गन को, जो रूट 3 नंबर पे खेलता है और मॉर्गन 4 पे खेलता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी खेल सकते हैं। अब देखिए जेसन रॉय, ऐसा खिलाड़ी मैं चुनता हूँ अपने मैच में, जो मैं पता है कैसे टीम बनाता हूँ, मैं हमेशा 4-5 ऐसे प्लेयर चुनता हूँ, उनके आसपास टीम बनाता हूँ, एक 4-5 प्लेयर्स का गुच्छा होता है, वो चुना मैंने, जैसे कि जेसन रॉय, पैट कमिंस, मैं इस मैच के बता रहा हूँ आपको मैंने किस किस को चुना है, जेसन रॉय को चुना है, पैट कमिंस को चुना है, यहाँ से मैंने जॉस बटलर को चुना है, ठीक है, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, ये मेरे कुछ प्लेयर हैं जो कि मैंने इस मैच में फेथ रखा है जिनके ऊपर। अब मैं फिर एक टारगेट लेके चलता हूँ कि इस मैच में टारगेट क्या हो सकता है, क्या कोई टीम पहले बैटिंग करेगी तो क्या टारगेट, देखो दोनों टीमें टक्कर की हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, एक तरफा मैच होता तो मैं कहता कि अगर ये टीम पहले बैटिंग करेगी तो ये टारगेट, वो टीम करेगी तो वो टारगेट, लेकिन दोनों टीमें टक्कर की, तो मैं लेके चल रहा हूँ 270 से 20 रन आसपास, 270 से 290 के बीच में मैं इस मैच में लेके चल रहा हूँ कि इतना मुझे टारगेट इस मैच पर देखने के लिए मिल सकता है।
उस हिसाब से मैं टीम बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। बाकी के मेरे चार पांच प्लेयर मैंने इंपॉर्टेंट छांट लिए पहले, अब मैं देखता हूँ कि उस स्कोर के हिसाब से बाकी के प्लेयर कौन से होंगे जो उस स्कोर में फिट हो जाएं, ये चीज़ मैं देखता हूँ तब मेरी टीम बनती है। मैं ऐसे ही नहीं लेता कि एरोन फिंच अच्छा है भाई ये ले लो, डेविड वार्नर अच्छा है ये ले लो, वो तो मैं कभी कभी नहीं करता, वो तो फालतू की बातें होती है। T20 में काम आ सकता है कि टॉप 3 उठा लो, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एरोन फिंच T20 में उठा लो, वो वहाँ चल जाता है, ये वनडे क्रिकेट है यहाँ नहीं चलता। मॉर्गन रखा है मैंने, ये रिप्लेसमेंट है किसका, जो रूट का, ठीक है। नीचे आते हैं, जेसन रॉय को मैंने अपनी दोनों टीमों पर पिक किया है, मेरा इंपॉर्टेंट फेथ जेसन रॉय पे है इस वक्त। इस मैच में तीन खिलाड़ियों पे, जेसन रॉय और यहाँ से डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, इन तीन पे मेरा ज़्यादा है। फिर आपका जॉस बटलर तो आता ही है, पैट कमिंस भी है। क्रिस वोक्स को तो मैं रखूंगा यार, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग बॉलिंग का दोनों का ऑप्शन है, मेन बॉलर तो यही है जॉफ्रा आर्चर से पहले, मैं इसको रिकमेंड करूंगा आपको। देखिए ग्लेन मैक्सवेल पे इस मैच में थोड़ा सा ट्रस्ट है, एज अ बैट्समैन मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट है, बट यार वही दिक्कत ना कि बैटिंग ऑर्डर का नीचे है, क्या ये मुझे बॉलिंग करके देगा, अगर बॉलिंग करके देगा तो हाँ, नहीं देगा तो फिर ना। मार्कस टोनिस मेरे हिसाब से बाहर जाएगा, स्टीव स्मिथ इसकी जगह आएगा। मोइन अली देखो मैंने टीम टू में मोइन अली को पिक किया है, मेरे हिसाब से अच्छा मैंने चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बताई, मैं भूल गया यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे दो खिलाड़ी को मैंने नाम लिखे, मोइन अली और माकूड। देखो पिच ना माकूड के हिसाब की है, ये मान समझे कि माकूड नहीं है अच्छा खिलाड़ी, पिछले मैच में 3 विकेट लेकर आया था, पहले मैच में पिच माकूड के बहुत हिसाब की है। और उसके दूसरी बात ये भी आती है, टॉम करन ने कुछ खास किया नहीं, पिच सैम करन के हिसाब की नहीं है, सैम करन बेसिकली जो है स्विंग पर डिपेंड रहता है, पिच सैम करन के हिसाब की नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि टीम अगर चेंजेस करती है, बनते हैं क्योंकि चेंजेस के चांसेस, ये नहीं कह रहा कि किसी खिलाड़ी ने खराब परफॉर्मेंस कर दिया, नहीं, क्योंकि जो सूट करता है किसी खिलाड़ी को, माकूड को बिना रीजन के बाहर बिठाया था, स्टिफनेस के कारण बाहर बिठा दिया था, और मोइन अली के चांस बनते हैं इस मैच में, क्यों, क्योंकि वो एक जो बैटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है ना। हालांकि देखो टॉम करन ने भी रन बनाए, आदिल रशीद ने भी रन बनाए, बट मैं स्टिल मोइन अली को देखता हूँ, क्योंकि आपको पता है यार इंग्लैंड की बैटिंग कमज़ोर है, इतनी वनडे के हिसाब से बहुत अच्छी बैटिंग नहीं है, तो इंग्लैंड खुद ही पहचानता है, मुझे लगता है हो सकता है मिडिल ऑर्डर में आपको दिख जाए एक आध चेंज हो सकता है इसमें, किसकी जगह होगा वो मुझे अभी नहीं पता, ठीक है। अगर हमारा प्लेयर मिस होता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। हालांकि टीम टू की जगह मोइन अली की जगह आदिल रशीद रख लेना, अगर आप यहाँ पे नहीं खेला तो मोइन अली, मैं ये भी बता रहा हूँ, टीम टू में मोइन अली की जगह आदिल रशीद को डाल देना अगर मोइन अली नहीं खेलता है तो। मिचेल मार्श को लेने का एक ही कारण है कि ये मुझे बॉलिंग प्रोवाइड कर, अगर मिचेल मार्श को मैं नहीं लेता ना, बॉलिंग प्रोवाइड नहीं करता, तो अगर मैक्सवेल कर रहा होता तो मैक्सवेल को लेता, अगर चलो ये भी नहीं करता तो फिर मेरे पास ऊपर से ऑप्शन कौन खुलता, मानस लबुशेंज, कहाँ गया मानस लबुशेंज, ये रहा, तो मैं इसको उठाता। अगर ये भी नहीं उठाना होता तो फिर मैं कीपर से एलेक्स केरी को अपनी टीम में उठाता, ठीक है। ये लिस्ट है, मैं सीरियल वाइज सोच के चलता हूँ, रोल सबका एक जैसा ही है, मिडिल ऑर्डर में आते सबके सब। आदिल रशीद को मैंने टीम वन में उठाया है, स्पिन के लिए हाँ ज़्यादा फ्रेंडली पिचेज नहीं है ये मैं जानता हूँ, लेकिन इसका जो रोल है वो मिडिल ओवर का, कब आता है ये 20 ओवर के आसपास बॉलिंग करने आता है, 20 से 40 ओवर के आसपास आता है, और मुझे वहीं पे विकटें चाहिए, क्योंकि मैंने टॉप ऑर्डर के दो खिलाड़ी लिए हैं, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, उसके बाद जब एक खिलाड़ी के 70-80 रन हो जाएंगे उसके बाद मुझे विकेट चाहिए, तो वहाँ पर आदिल रशीद बॉलिंग करता है। मिचेल स्टार्क को मैंने पिक किया है, पैट कमिंस को पिक किया, टीम वन मेरी टीम मेन टीम है, उसके बाद यहाँ पर पैट कमिंस को पिक किया है, और टॉम करन, टॉम करन को मैंने इस मैच में रखा है, देखो खेलता है नहीं खेलता वो बात की बात है, खेलेगा तो हाँ, और एडम जाम्पा को मैंने मैच यहाँ पर मिचेल स्टार्क की जगह रखा है। ये चेंज आप कर सकते हैं, मिचेल स्टार्क को बिल्कुल ला सकते हैं अपनी टीम में वापस से, ठीक है। बस मैंने जस्ट फॉर अ चेंज एंड जस्ट फॉर अ मिडिल ऑर्डर ऑप्शन इन फॉर्म खिलाड़ी मैडम जाम्पा को रखा है, और पैट कमिंस को तो मैं कितनी भी मैच 4-5 टीमें बना दूंगा ना, तो इस मैच में अपनी टीम से बाहर नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने मैक्सवेल को भी नहीं लिया, और देखेंगे यहाँ पे, देखिए मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से बैट्समैन कितने हैं, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना बैटिंग और होनी चाहिए थी, तो मैं यही सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि नीचे से पैट कमिंस एक अच्छा ऑप्शन है जो थोड़े बहुत रन बना के दे सकता है, नंबर 8 पे बैटिंग करता है, 7 पे मैक्सवेल आएगा, मैक्सवेल के ठीक बाद आपका पैट कमिंस आएगा, तो पैट कमिंस सबसे बेहतर बॉलर्स में से जो जितने भी बॉलर्स हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के, उसमें सबसे बेहतर जो खिलाड़ी है आपका बैटिंग कर सकता है उन बॉलर्स में से, वो पैट कमिंस ही है। तो एक जो छोटी सी मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम से थोड़ी सी ना बैटिंग की कमी है, वो मेरा पैट कमिंस पूरी करके दे सकता है। बटलर दोनों टीमों में बटलर, ठीक है, जूम इन कर दिया मैंने। उसके बाद बैटिंग में देखो एक ही चेंज किया मैंने, मॉर्गन लिया यहाँ पे, जो रूट लिया यहाँ पे, ये फैसला आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको फेथ ट्रस्टी लग रहा हो किसी भी टीम में, ये नहीं कह रहा कि मैं टीम टू में या टीम वन में, किसी भी टीम में जो आपको ट्रस्टी लग रहा हो उसको ले लेना। उसके बाद डेविड मॉरल, स्टीव स्मिथ, ये मेरे परमानेंट रहेंगे, फिंच ले सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर मेरे परमानेंट रहेंगे डेविड मॉरल और स्टीव स्मिथ। यहाँ से क्रिस वोक्स और मिचेल मार्श लिया है, यहाँ से क्रिस वोक्स मिचेल मार्श ही लिया है, बट मैंने मोइन अली को उठाया है रिप्लेसमेंट ऑफ आदिल रशीद, अगर नहीं खेलता है मोइन अली तो आदिल रशीद को ले लेना, चेंज करके अभी बोल रहा हूँ। टॉम करन को रखा है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और एडम जाम्पा। ओके देखो एक बड़ा खिलाड़ी मैंने ड्रॉप किया है, जॉफ्रा आर्चर, क्यों ड्रॉप किया है, देखो जॉफ्रा आर्चर डेथ ओवर करके नहीं दे रहा है, ये बात ध्यान में रखना, हालांकि कर सकता है ऐसी बात नहीं, नहीं कर सकता, पहले मैच में किए थे लेकिन पहले मैच में पिटा था इसलिए दूसरे मैच में उसको डेथ ओवर नहीं मिले। दूसरी बात ये कि जॉफ्रा आर्चर आपके पावर प्ले का स्पेल डालेगा, कब डालेगा, पावर प्ले का स्पेल, और दूसरा आपका क्रिस वोक्स भी पावर प्ले का स्पेल डालेगा, मतलब दोनों मिला के अपने 10 ओवर खत्म कर देंगे सिर्फ पावर प्ले में। तो 10 ओवर में अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया से टॉप ऑर्डर से कितने खिलाड़ी हटाए हैं, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ रखे हैं जो 3 नंबर पे खेलेगा और ओपनर करेगा, तो केवल एक ही खिलाड़ी हटाया है, मतलब ये हुआ कि इन 10 ओवर में जो क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर मिलके करेंगे उसमें एक विकेट गिरना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए।
तो उस केस में यार दो बॉलर्स मैं क्यों रखूं, ये भी तो समझो कि मेरा जो दूसरा खिलाड़ी होगा, अगर मैं क्रिस वोक्स और जोफ्रा दोनों ले लूँ, आप ये भी कह सकते हो सर ये बाद में भी तो विकेट ले सकता है बाद के 5 ओवर में, जी हाँ ले सकता है, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी तो कम कर देगा ना वो। तो यही बात है कि मैंने उस केस में एक ही बॉलर उठाया है, क्रिस वोक्स, आप जोफ्रा आर्चर को उठा सकते हैं, बट मैं उस केस में जोफ्रा आर्चर को रिकमेंड करूंगा जब आप ऑस्ट्रेलिया से या तो फिर स्टीव स्मिथ को ड्रॉप कर दो या डेविड वार्नर को ड्रॉप कर दो, फिर 4 नंबर का मार्नस लबुशेन ले लो, उस केस में आपके लिए जोफ्रा आर्चर ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ये छोटी सी बात है पर इंप्लीमेंट करने वाली बात है। चलो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, इसके बाद ही मैं क्लियर कर दूँ जो हैम्पशायर और ये कैंट वाला मैच है, इसकी वीडियो में अपलोड आपको अभी जब सुबह देख रहे हो तो फिर ये वीडियो अभी तक नहीं आई होगी। मैच से जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इससे अगर आप ये 4 या 5 घंटे पहले 12 बजे के आसपास ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये दोनों वीडियो चैनल पे मिल जाएंगे। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, बाकी एंड टाइम के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। गुड बाय गाइस, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।